हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का पेपर है आप देख रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत। याद रखना, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत पेपर का नाम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का पेपर देख रहे हैं, 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को रट लेना, मैं आपसे वादा करता हूं कभी फेल नहीं होने दूंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, याद रखना मैं आपसे बोल रहा हूं। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, जो मैं बता रहा हूं वही पढ़ के जाना है, बाकी कुछ भी मत देखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% प्लस यहां से देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन, वो पढ़ के चले जाना बस। आपको और कुछ मत पढ़ना, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में आपके आते होंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है बीए बाई पेपर हैकर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस चैनल पर मैं वीडियो को डालूंगा। और साथ ही साथ बीए पेपर हैकर, जो बीए वाई पेपर हैकर, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और पेपर हैकर जिस पे आप इस वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप सब्सक्राइब करेंगे, मतलब सारे पेपर जितने हमारे चैनल हैं सबको सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है? और याद रखेंगे सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पहला क्वेश्चन पर टिक लगा देंगे। आपके पास नोट्स, गैस पेपर यदि बुक वगैरह नहीं है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से नोट्स है, आप बिल्कुल आसानी से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, यहां कह रहा है अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, उसके महत्व के बारे में याद कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पर टिक लगा लो। आपके पास गैस पेपर है, नोट्स है, बुक है, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो उस पर टिक लगा लो। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, उसके महत्व क्या है, ये देखेंगे। मांग के नियम के बारे में, मांग की लोच क्या होती है, ये देखेंगे। उसके अपवाद को याद कर लेंगे, उसके अपवाद क्या है, मांग के अपवाद क्या है, टिक लगा लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, उपभोक्ता की, देखो इस प्रकार से टिक लगा लिया करो कि ये 2022 में आएंगे तो इस प्रकार से मैं पढ़ूंगा, बस 2022 लिख दो वहां कि 2022 में ये पढ़ूंगा बस, और कुछ नहीं पढ़ूंगा भाई, जो बता रहा हूं वही पढ़ लो, ठीक है? और आपकी जो यूनिवर्सिटी मैं अपलोड करूंगा वीडियो, चिंता मत करो, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से कहीं से भी हो तुम, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी से हो, एमजेपीआई रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हो, कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, बल्लिया लखनऊ, कहीं भी यूपी की, कहीं उत्तर प्रदेश की कहीं भी यूनिवर्सिटी से हो, उत्तराखंड की कहीं भी यूनिवर्सिटी से हो, बिहार की कहीं भी यूनिवर्सिटी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? उपभोक्ता के बचत सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके बारे में आप देखेंगे, उसकी आलोचना, उसके महत्व के बारे में याद कर लेंगे। किसके? उपभोक्ता के बचत सिद्धांत को याद करेंगे, उसकी आलोचना और उसके महत्व को, ठीक है? देखो उसके बाद में बोला गया है तटस्था, जो वक्र होता है वो क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, आप इसको याद करेंगे। उत्पत्ति हास नियम क्या होता है, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ये याद करेंगे। उत्पत्ति हास नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो परिवर्तनशीलता अनुपातों का नियम क्या होता है, आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन क्या है, इसको आप याद करेंगे। उत्पादन फलन किसे कहते हैं, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, सम उत्पादन वक्रों की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसकी कह सकते हैं देखो अल्पकाल और दीर्घकाल जो होता है, ठीक है, उन दोनों उत्पादन फलक में अंतर, मतलब उत्पादन फलक क्या होते हैं, उत्पादन फलक के 2 अंतर होते हैं, एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल, उत्पादन फलक में अंतर पूछ लेता है, आप दोनों याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो अल्पकाल की जो कीमत होती है वो, उसका वर्णन करना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो अल्पकाल की कीमत होती है क्या कीमत होती है वो, उसके बारे में। बाजार किसे कहते हैं, बाजार तो सब आप जानते होंगे, बाजार क्या है, बाजार के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं वो याद कर लेंगे। और उसके बारे में अपूर्ण, अथवा देखो अपूर्ण को हम क्या कहते हैं, एकाधिक कह सकते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता या फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से क्या आस होता है, मतलब आस का मतलब है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो किस प्रकार से संतुलित होते हैं वो देखेंगे। एकाधिकार का वर्णन करना है, उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, आप ये याद करेंगे। और साथ ही साथ प्रतिनिधि फर्म क्या होता है, आप ये याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, बाजार संरचना किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसके कार्य कह सकते हैं, उसके वर्गीकरण के बारे में याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट पर टिक लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन कीमत, देखो साधन कीमत जो निर्धारण का सिद्धांत क्या है, आप इसको याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में है देखो वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे, वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। उसके बाद है नकद और असल जो मजदूरी का भेद होते हैं, देखो एक नकद मजदूरी होती है, एक होती है असल मजदूरी, तो नकद मजदूरी और असल मजदूरी में अंतर क्या होता है, भेद क्या होता है, आप ये याद करेंगे। और लागन देखो विशिष्टता का सिद्धांत क्या है, लागन विशिष्टता का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सिद्धांत जो रिकॉर्डों का सिद्धांत पूछा जाता है, कि आधुनिक सिद्धांत रिकॉर्डों का सिद्धांत का एक विकसित रूप है, ये आप सिद्ध करो, आपसे कहेगा ये सिद्ध कर दो
कि भैया जो आधुनिक सिद्धांत है वो रिकॉर्डों का सिद्धांत का एक विकसित रूप है, एक यहां से विकास हुआ है, अभी सिद्ध कर दो। तो आपको ये पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा लेना। पुरानी, देखो यहां बोला गया पुरानी कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुराना देखो कह सकता है पुरानी या फिर पुराना, पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत कौन सा है वो यहां पर याद करेंगे। और देखो कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़ लेना, और मांग की अड़ी लोच मैं ऊपर बता चुका हूं क्वेश्चन, उसको पढ़ लेना। ये सारे हम नोट्स हम आपको नोट्स दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है नोट्स का, आप नोट्स डाउनलोड करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। और हमने प्ले स्टोर पर हमने नोट्स के अपने एप्लीकेशन बना के डाल रखे हैं, आप वहां से भी डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। देखो सीमांत उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता की बचत और उसकी अवधारणा के बारे में याद कर लेंगे। और उसके बाद में बोला हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, आप ये याद करेंगे। और साथ ही साथ पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर क्या होता है, आप ये याद करेंगे। पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में भेदपूर्ण एकाधिकार से क्या अर्थ होता है, भेदपूर्ण एकाधिकार से क्या अर्थ होता है, मतलब परिभाषा, भेदपूर्ण एकाधिकार किसे कहते हैं, ये आप याद करेंगे। रीज और रियाव, देखो यहाँ रीज रेखाओं, यहाँ खाए, देखो रीज रेखाओं का वर्णन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद करेंगे। मूल देखो मूल विभेदीकरण नीति क्या होती है, मूल विभेदीकरण नीति को याद कर लेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में सारे टिक लगा लो बेटा अपने बुक पे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, मैं आपसे वादा करता हूं 90% यहां से प्लस मिलेगा देखने को, ठीक है। यहां बोला गया है ब्याज की तरलता जो पसंदगी सिद्धांत है, ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत को भी याद करेंगे। और पैमाने के जो प्रतिफल के जो निर्धारण तत्व होते हैं, पैमाने के प्रतिफल के निर्धारण तत्व कौन कौन से, उसको याद करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पेरेटरी जो अनुकूलता का सिद्धांत है, पेरेटरी अनुकूलता का सिद्धांत क्या है, ये याद करेंगे। बस इतना याद करना, बाकी कुछ मत देखना, मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से आपको 90% देखने को मिलेगा, मतलब कि कुछ भी हो जाए आपको फेल नहीं होना है, सब कुछ बना बना के लिख के आना, बस एक बार पढ़ लेना। और एग्जाम से दो दिन या फिर एक दिन पहले बो दूंगा जो आपके पेपर में आता होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू, लव यू सभी के लिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय टाटा, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।